अच्छा नेक्स्ट इज लोकेशन बी इज नॉर्थ ऑफ ए एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन सेंस आई थिंक, सो थोड़ा सा है। सो लोकेशन ऑफ बी इज द नॉर्थ ऑफ ए एंड लोकेशन सी इज द ईस्ट ऑफ ए, द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी। अरे बड़ा आसान सवाल है, मेरा फेवरेट है, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन पे। सो लोकेशन ऑफ बी इज द नॉर्थ ऑफ ए, पहले ए बना लेता हूँ, दिस इज ए। सो लोकेशन ऑफ बी, ये लोकेशन ऑफ बी मैंने बना दी, नॉर्थ ऑफ ए है, अच्छी बात है, ओके। एंड लोकेशन ऑफ सी इज द ईस्ट ऑफ ए, ठीक है, जो जो लोकेशन सी है वो ईस्ट ऑफ ए, ए क्या ईस्ट। अच्छा यू शुड नो द डायरेक्शन फर्स्ट, हाँ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है, ओके। स्टार गेजिंग इज माई हॉबी, मैं बहुत तारे देखता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ कुछ फोटोग्राफ्स शेयर करूँ, लेकिन आजकल आपको पता ही है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वेदर, ठीक है। लेकिन मैं कभी कभी कुछ फ़ोटोज़ लाइक जुपिटर एंड सैटर्न, कुछ प्लैनेट्स देखते हैं तो मैं शेयर करता हूँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स आप लोगों के साथ। तो मेरी जो हॉबी है स्टार गेजिंग, उसके वजह से मेरे जो डायरेक्शन सेंस हैं वो प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे हो चुके हैं, मैं बड़ा ईजिली पोल स्टार को लोकेट कर लेता हूँ, एंड जो डायरेक्शन हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो बड़े अच्छे तरीके से मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कहीं भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैं चाहता हूँ कि क्योंकि यू आर ऑल डिफेंस एक्सपीरियंस, तो ये सारी टेक्निक्स विल गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। अच्छा तो अब आपसे क्या कहा है, सी इज़ द ईस्ट ऑफ ए, ठीक है, तो ए से ईस्ट में आ जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर है सी, दिस पॉइंट इज सी, ईस्ट ऑफ ए, समझ रहे हो। अब आपसे क्या बोला है, द डिस्टेंस इज ए बी एंड ए सी 5 एंड 12, तो ये जो ए बी है और ये जो ए सी है ये 5 है किलोमीटर और ये है 12 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। अरे यार, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये आपको बी सी निकालना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसको आप परपेंडिकुलर ले लो, इसको आप बेस ले लो, चलेगा। एज यू ऑल नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऊपर लिख लेना बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। सो एच विल बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर 169, तो एच होगा रूट ऑफ 169, तो रूट ऑफ 169 कितना होता है, आंसर इज 13, ठीक है। सो 13 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर, ठीक है।